सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। मुस्कुराओ, क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है। अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है, जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नरक। इसलिए यह ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा है और सच्चा है। आज का पंचांग 9 मई 2022 दिन सोमवार, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि शाम 6:32 तक रहेगी। इसके उपरांत नौमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अश्लेषा नामक नक्षत्र शाम 5:08 तक रहेगी। इसके उपरांत मघा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:30 से 9:08 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:57 से 12:50 तक रहेगा। आज चंद्रमा कर्क राशि पर शाम 5:08 तक रहेगी। इसके उपरांत सिंह राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर रहेंगी। वृश्चिक राशि 9 मई 2022 दिन सोमवार, अपने ही विनाश करने वाले व्यवहार से बचें। जो भी आपको आकृष्ट लग सकता है, चिंताओं के बीच अपनी सेहत का ध्यान रखें। अपने दादा दादी या बुजुर्गों से मिलने जुलने के लिए समय निकालें। वे आपको उन आध्यात्मिक विचारों से जुड़ने में मदद कर सकते हैं जिन्हें आप ढूंढ रहे हैं। आज आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपकी वर्तमान परिस्थितियों का संपूर्ण अर्थ और दिशा बदल सकती है। लोगों को आप बहुत जल्दी प्रभावित कर लेते हैं। आपकी यही विशेषता आपको सफलता दिलाएगी। जब तक आप किनारे को छोड़कर नहीं जाएंगे तब तक आप समुद्र पार नहीं कर सकते। आज ग्रह गोचर आपके भाग्य को और अधिक बल प्रदान कर रहे हैं। इसका भरपूर सम्मान और सदुपयोग करें। अपने सूझबूझ से घर और व्यवसाय दोनों के बीच सामंजस्य बनाकर रखेंगे। कोई महत्वपूर्ण यात्रा भी संभव है। यात्रा से संबंधित योजना अगले कुछ दिनों में बनाई जा सकती है। ये यात्रा परिवार के साथ हो सकती है। यात्रा में सतर्क रहना होगा। काम से संबंधित बातों की वजह से खुद पर तनाव ना हो, इस बात का ध्यान रखें। काम से संबंधित कोई भी निर्णय भावुक होकर ना लें। केवल अपनी जीत को महत्व देने की वजह से दिक्कतें हो सकती है। गले की खराश और खांसी जैसी तकलीफ थोड़ी मात्रा में होगी। सावधानियां, पुरानी नकारात्मक बातों को छोड़कर वर्तमान में अपना ध्यान केंद्रित रखें, क्योंकि इनके वजह से किसी प्रिय मित्र से संबंध खराब हो सकते हैं। अपने गुस्से और कड़ी वाणी पर भी अंकुश लगाकर रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। वैवाहिक संबंध खुशनुमा रहेंगे। आप अपने खास रिश्ते को अभी रहस्यमय रखना चाहते हैं और दुनिया की नजरों से बचकर इन पलों का मजा लेना चाहते हैं। एक दूसरे से सब कुछ शेयर करें ताकि आप दोनों का एक दूसरे पर विश्वास बढ़ जाए और जीवन में किसी तरह की खटास ना आए। अपने साथी से मिलने की लालसा आज आपको उनके लिए कुछ खास करने के लिए प्रेरित करेगी। आपका प्रेमी आपसे केवल आपका ध्यान और समय चाहता है, इसलिए एक गुलाब का फूल भी आपके प्यार को प्रभावित कर सकता है। नए रिश्ते में थोड़ा सोच समझकर आगे बढ़ें। धन संबंधित समस्याएं भी आपकी राह में आ सकती है। बात करते हैं करियर की। धन के व्यय दीर्घकालीन निवेश आपको लाभ का पात्र बना सकता है। भावनात्मक रूप से कमजोर महसूस करेंगे। अपने व्यवसाय में परिवर्तन करने के लिए आज का वक्त शुभ है। सपनों और विचार तब तक अदृश्य रहते हैं जब तक आप उन्हें पाने के लिए कड़ी मेहनत नहीं करते। आज नए व्यवसाय गठबंधन बनाने के लिए विदेशी कनेक्शन का लाभ उठाएं। वर्तमान परिस्थितियों में परिवर्तन की संभावना है, हालांकि यह बदलाव सकारात्मक है और समृद्धि या विकास का प्रतीक है। लोगों से मिलना जुलना आपके संबंधों को निखारेगा।
हमारी किस्मत को बनाना सितारों के बस की बात नहीं है, बल्कि हमारे ही हाथों में है। बात करते हैं सेहत की। बारिश के मौसम की वजह से एलर्जी और खांसी जुकाम जैसी शिकायत रहेगी। आयुर्वेदिक चीज़ों का अधिक सेवन करें। गले की खराश और खांसी जैसे तकलीफ भी थोड़ी मात्रा में हो सकती है। आज का उपाय, आज आप शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।